राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल जी कटारिया, मेरी उपाध्यक्ष श्री मुकेश जी गुलगुलिया, संस्था पदाधिकारी, आपका 13 पंथियों परिषद सूरत की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। उपस्थित युवा साथियों, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को बताते हुए हर्ष की, गौरव की अनुभूति हो रही है कि अवसर बिजनेस एक्सपो कार्निवल कार्यक्रम का 13वां धर्म संघ के इतिहास में पहली बार आयोजित होने जा रहा है और उसका आयोजन 13वां युवक परिषद सूरत द्वारा हो रहा है। इस कार्यक्रम को पाना अपने ही समाज को कई ऐसे युवकों को जिन्हें बिजनेस करने का दिक्कत आती है उसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसमें मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनके अथक श्रम व सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुनः सभी के श्रम को नमन व सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। ओम अरहम। आज इंदौर स्टेडियम में आयोजित 13वां समाज के द्वारा अवसर, इसको मैं सही मायनों में अवसर ही मानता हूं, क्योंकि हर समाज के कार्यक्रम में जब जाना होता है तो समाज का कार्यक्रम मात्र और मात्र धर्म और धर्मशाला के उसमें ही रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को एक कदम आगे बढ़ के समाज के लोगों को एक दूसरे का सहयोगी बनने का अवसर, मैं ये अवसर को मानता हूं। मैं पूरे 13वां समाज के सभी लोगों को ये जो प्रयास है, ये प्रयास के लिए मैं आप सबका आभार मानता हूं, क्योंकि ये नई दिशा है। कहीं ना कहीं जैन समाज के लिए आने वाले दिनों में मात्र धर्म, मंदिर, प्रार्थना, ये सबके साथ में रह के समाज के गुण को साथ में रख के आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कहीं एकता की भावना खड़ी करनी। 350 में आज अवसर का बारे में कुछ और सबसे बड़ी परिषद अवसर का प्रोग्राम जो 13वां युवक परिषद सूरत आयोजित कर रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो समाज के सभी सैद्धांतिक बंधुओं के लिए व्यापार के स्तर को बढ़ाने हेतु किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सेक्टर के बहुत से व्यापार यहाँ पे सम्मिलित है और एक दूसरे को परिचय हो, एक दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में जाने, यही हमारे मेन उद्देश्य है। इसमें जो मैं मुख्य हमारे अध्यक्ष है संजय जी भंसाली, पर्यवेक्षक जितेंद्र जी गादिया और कम बोलते हैं लेकिन कार्य करने का विश्वास, ये हमारे जो है मास्टरमाइंड के अलावा एग्जीबिट करने वाले सेक्टर है, जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और ज्वेलरी और आईटी इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री आदि कई प्रकार के इसमें सेक्टर जुड़े हुए हैं। ये आज और कल 27 तारीख और 28 तारीख को चलने वाला, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। इसके साथ साथ हमने व्यापार के बूस्ट के लिए बहुत से मोटिवेशनल कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि सूरत की जनता से कि वो आप यहाँ आए और ये सेशन को अटेंड करें और अपने व्यापार में बूस्ट बनने का प्रयास करें। ये दोनों की जोड़ी हमने उनको दीपक मेहता, आज इस अवसर के बारे में आप विश्वक कुमार जी को हमने निवेदन किया है। अवसर द ट्रेड एक्सपो ये 13वां समाज के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बिजनेस को 13वां लोगों के बीच में एक ब्रांड बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अवसर दिया है। इस प्रोग्राम में कई प्रकार के इंडस्ट्री के लोग जुड़े हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री से, आईटी इंडस्ट्री से, इवेंट मैनेजमेंट, बिल्डर लोग, काफी लोगों ने यहाँ इसमें जुड़े हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है। हमारे महासभा के ये एक्सपो 2 दिन चलेगा, 27 और 28 मॉर्निंग 8 to evening 10 तक। जो आपने कार्यक्रम में 13वां समाज का ये प्रयास, ये अवसर समाज के सभी लोगों के लिए अवसर बन के साबित होगा, ये मेरा मानना है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ सभी फील्ड के स्टॉल, सभी फील्ड के लोग एक ही समाज के डोम के अंदर है, समाज के सभी लोगों को एक दूसरे से परिचय मजबूत होगा और इसके माध्यम से आने वाले दिनों में ये अवसर का प्लेटफॉर्म लोगों के रोजगार को, लोगों के उद्योग को बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा उपयोगी स्थान रहेगा और उपयोगी प्लेटफॉर्म रहेगा।
प्रॉपर प्रोग्रेस मैं तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्ष सुनीता सुराणा, ये जो आज तेरापंथ युग परिषद ने अवसर जो बिजनेस का जो आज यहाँ रखा है, इतना सुंदर कार्यक्रम और इसमें महिलाएं भी जुड़ी है और सारे जैन समाज के इसमें मेंबर जुड़े हैं, मेरा सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा इसमें पधार कर इस अवसर के इस कार्यक्रम को सफल ही नहीं सफलतम बनाए। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। सिद्धांत बांटिया, आज अवसर का इस कार्यक्रम में आप जुड़े हो, तो आपका कौन सा स्टॉल है और आप क्या कर रहे हो? हमारा स्टॉल नंबर 3940 है और हम लोग का क्यूपिड नॉट मैट्रिमोनी नाम के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑल इंडिया प्रोवाइड करते हैं। जैन और मारवाड़ी समाज के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग लास्ट 3 साल से बहुत ही डायनामिकली और एकदम ही बढ़िया रूप से काम कर रहे हैं। हम सब आपसे आग्रह करते हैं, आप हमें आइए और मिलिए और आपका शुभ कार्य हमारे थ्रू मंगल करवाइए।